हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फ़ोटो मैनिपुलेशन कैसे करते हैं मोबाइल के ज़रिए, वो भी पिक्स आर्ट के अंदर, वो भी जस्ट सिंपल स्टेप्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले पिक्स आर्ट में फ़ोटो ओपन कर लीजिए। बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे पिक्स आर्ट फोटो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिंपली कटआउट में जाना रहेगा। कटआउट में जाके आप यहाँ से जो ब्रश की साइज़ है कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे घुमा दीजिए। हो जाने के बाद यहाँ से क्लिक कीजिए और एक स्टिकर क्रिएट कर लीजिए। जैसा कि यह हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर नहीं हुआ है तो वहाँ से यहाँ से ब्रश कर सकते हो और फिर यहाँ से इरेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ और जहाँ पे नहीं हुआ है कलर, ये रेड वाला, तो वहाँ पे ऐसे कलर कर दीजिए। फिर यहाँ से चेक कर लीजिए कि परफेक्ट है कि नहीं है। हो जाने के बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद बताना चाहूँगा, फ़ोटो के अकॉर्डिंग अपना फ़ोटो को यहाँ से फिल्टर दे दीजिए। तो मैं यहाँ से सनसेट की फ़ोटो ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सनी इफेक्ट डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने सनी इफेक्ट किया, फिर यहाँ से मैं इसको इतना कर देता हूँ। फिर यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में जाके यहाँ पे जाके थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दीजिए ताकि यहाँ पे ब्लैक हमें इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो यहाँ से ऐसा हो जाने के बाद फ़ोटो को सेव कर दीजिए। यहाँ पे जाके मेरी ऑलरेडी की हुई है। और उसके बाद दूसरा एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। फ़ोटो सेलेक्ट बताना चाहूँगा, मैं फ़ोटो यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि किसी की ओरिजिनल पिक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊँगा। आप ऐसी ही कोई दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर हमारी फ़ोटो को पहले वाला जो हम लोग ने स्टिकर क्रिएट किया था वो यहाँ पर अगर हम सेट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा होगा नहीं। तो मैं यहाँ से क्लोन में जाऊँगा, क्लोन में जाके यहाँ से थोड़ा उसको हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया, फिर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बताना चाहूँगा, जो फ़ोटो हम लोग ने पहले सेव की थी वो यहाँ से ले लीजिए। तो मैंने यहाँ से उसको ऐड किया, फिर यहाँ से फ़ोटो के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दीजिए। ये यहाँ से हो चुका है। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टिकर के अंदर थोड़ा यहाँ से अभी भी है, तो यहाँ से उसको ऐसे इरेज कर दीजिए ताकि अच्छा इफेक्ट देखने को मिले। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देख सकते हो कि फोटो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बताना चाहूँगा, फिल्टर्स में जाके यहाँ पे उसमें थोड़ा और इफेक्ट दे दीजिए। मैं यहाँ पे HDR2 दे देता हूँ। तो अभी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से स्टिकर में जाइए, स्टिकर में जाके यहाँ पे डिस्कवर, फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए बर्ड्स और यहाँ से सर्च कीजिए। सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट सामने आएंगे, तो उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और उसको यहाँ से पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। आप उसमें अपने कोई भी यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो ऐसे आप अपनी फ़ोटोज क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। उससे होगा क्या, जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। सो थैंक यू।